मेरा एक फ्रेंड है ना, उसने मुझे पूछा कि मतलब तुझे ये करने का आइडिया कहाँ से आया कि यूट्यूब पे तू वीडियो डालेगा और तू बोल अपने आप को मतलब शेयर करना चाहता है तेरा जो एक्सपीरियंस, मतलब ये आइडिया क्यों आया, तुझे ऐसा क्या लगा कि तेरे में क्या खास बात है। तो मैंने उसको सिंपल रिप्लाई दिया, भाई सुन क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली ना मैं ऐसे मोटिवेटेड वीडियो बहुत देखता था अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, क्योंकि मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ और कुछ भी सिचुएशन नहीं पता है जहाँ पे मैं आया हूँ ओमान में, कि वहाँ की सिचुएशन क्या है, वहाँ पे कैसे रूल्स है, क्या नियम है, क्या रेगुलेशन है। तो कहीं मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी ना आ जाए, या फिर जो मैं धराबी से, मुंबई से जो धराबी से मैं आया हूँ, क्या भाई क्या बोलते वो लैंग्वेज ना यूज़ करूँ, सो दैट कि मेरे को वहाँ से निकलना था। इसलिए मैं इस लाइन अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ना, मोटिवेट रखने के लिए, सेटअप रखने के लिए, फोकस रखने के लिए, कि करने के लिए, तो मैं हमेशा मोटिवेशन वीडियो देखता था, इतने वीडियो देखता था कि पूछ मत, फुल दिन भर। क्योंकि यहाँ पे है ना, यहाँ की गवर्नमेंट का एकदम बड़ा अच्छा लॉ है कि हफ्ते में 5 दिन काम करो, 2 दिन छुट्टी, और 2 दिन मेरे पास, मैं एकदम बोर हो जाता था, घर पे कितना बात करूँगा, क्या करूँगा। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं किसी से अगर घर पे बात करता था ना, तो फिर मैं उसको समझाने लगता था, तू ऐसे ऐसे कर, तू ऐसे ऐसे कर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, अंदर से इंटरेस्ट आता था, यार क्यों नहीं मैं वीडियो डालूँ यूट्यूब पे, उसमें क्या है। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया डालना स्टो वीडियो, तो मुझे मज़ा आने लगा, अच्छा लगने लगा। ए, पहले दिन डाला वाह 100 लाइक्स, दूसरे दिन डाला 50 लाइक, फिर के बाद 65 लाइक, तो ऐसा होने लगा। तो ये रहा था मेरा ये रहा मेरा सिलसिला, मज़ा आने लगा कि अगर जो आप काम को इंजॉय से लव मतलब काम इंजॉय करके करते हो और लव एकदम प्यार करते हो उस काम से, तो वहाँ पे कोई बोरिंगनेस मेरे को आती ही नहीं थी। आप जाके कितनी भी मेरे वीडियो ले, स्माइल ज़रूर रहेगी उसके अंदर और फनी थिंग भी ज़रूर रहेगा, तो फिर मैं मस्त होके करता हूँ, ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं है मेरे को, ज़बरदस्ती करने का मन कर रहा है नहीं जी, मेरे को अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि मैं भी मोटिवेट हूँ तो मैं क्यों नहीं दूसरे को मोटिवेट कर सकता हूँ जो भटके हुए हैं, जो इधर उधर मतलब हाँ ओके पापा के टुकड़ों पे तल रहे, जो पापा पैसे ला रहे हैं घर में उनके पैसों पे पल रहे हैं। यार जब तक हम अपने आप से खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना, तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे यही पता है, बचपन में जो पापा जो पैसे देते थे उनसे सपने पूरे होते थे, मगर अब यहाँ पे आके पता चला जो मैं पैसे से अपने कुछ भी सामान खरीदूँ ना, वो ज़रूरतें पूरी हो रही है, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। सपना तो बचपन में मज़ा आता था। तो फिर यहाँ से यही थी स्टोरी कि मैं यूट्यूब पे क्यों आया, क्यों मतलब क्या लगा तेरे को। तो मुझे ये लगा कि मैं इसमें अच्छा हूँ और मुझे इसमें मज़ा आता है काम करने में, मैं जॉब भी करता हूँ और घर भी संभाल रहा हूँ अपनी फैमिली, कुछ टाइम में मैं इंडिया भी आ जाऊँगा तो यही काम करूँगा, और क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आता है, रियली बता रहा हूँ। अगर आप जो काम में लव करते हो यार, उसमें मज़ा आना ही आना है, ऐसा वो फील नहीं कराएगा कि आपको ये बोरिंग है। आप भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको मज़ा आता है तो, भाई बहुत सारी ऑनलाइन है, और कुछ लोगों ने बोल दिया भाई तू पैसे कमा रहा है क्या, मतलब उनको पता नहीं था। मैं बोला भाई कुछ नहीं कमा रहा हूँ, पैसे वैसे कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा शौक है वो वीडियो में डाल रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, और कोई एक भी बंदा हो जाएगा ना मेरी बातों से सुन के थोड़ा सा इंस्पायर, वही मेरे लिए बहुत है, वही बहुत है। ऐसा मेरे को जता बना भी नहीं है कि भाई तू हो जा, तू हो जा, तू हो जा, सब लोग संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, अरे कहीं से भी हो जाओ, मगर हो जाओ, अपनी लाइफ सुधार लो, क्योंकि इस दुनिया में जो भी आया हुआ है ना, उसको राइट्स है कि वो है ना अपने ड्रीम को पाल सके, अपने ड्रीम को पा सके और अचीव कर सके जो उसको बनना है। देयर इज नो राइट्स टू कि यार मेरे मैं कुछ काम का ही नहीं हूँ, नहीं बाबा, मेरे को ऐसे उन लोगों के चक्कर में उन लोगों को नहीं बताना है जो निठल्ले बैठे हुए हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं। और एक बात और, इन्स ऐसे कुछ जो एज ग्रुप है 18 to 21, 22 एटलीस्ट, जो निठल्ले हैं हमारे भाई लोग, भाई लोग अगर आपसे हो सके तो जितना मेहनत, जितना आप जोश दिखा रहे हो लड़की पटाने में, शायद अगर कुछ करने में उतना मेहनत, उतना जोश, उतना वो जोश अगर दिखा दोगे ना कुछ बनने में, तो अपने आप लड़कियां तुम्हारे पीछे लाइन लगाएगी। सच बता रहा हूँ, बिलीव नहीं हो रहा है तो एक बार करके देख लेना, कुछ बन के दिखा दो तो पूरी दुनिया
पूरे लोग आपके बोलेंगे हाँ बंदे में टैलेंट था, बंदे में दम था, कुछ कर चुका। दैट इज़ दी माई जर्नी ऑल्सो। मैंने स्टार्ट किया अपना ये यूट्यूबिंग प्लस जॉब प्लस एवरीथिंग, जो अच्छा लगता है कर देता हूँ, मज़ा आता है। फिर बाद में रिजल्ट का नहीं वेट कर रहा हूँ कि हाँ बुरा आएगा तो मेरे को नर्वस होना है, नहीं जी अच्छा है, मज़ा आएगा। और बोलते हैं ना फालतू के फ्रेंड जो तुम्हारे हैं उनसे पीछा छुड़ा लो तो वो ही अच्छा है, नहीं तो तुम्हें तुम अगर उनके सामने कुछ बोलोगे ना तुमको बोलेंगे अरे उल्लू एक कुछ भी बोल रहा है, ऐसे कुछ काम धंधा नहीं है। और बात समझ लेना जिस दिन तुम्हारे पीछे बात होने लग जाएगी ना तुम सही रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो जैसा जी रहे उनकी लाइफ वो ऐसा जीना चाहते हैं। भाई मैं तो जैसा जी रहा हूँ अपनी लाइफ मैं खुद डिसाइड करूँगा कि मेरे को मेरी लाइफ कैसी जीनी है। तो अगर आप पॉजिटिविटी से घिरे रहना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जी हाँ नीचे जो दिख रहा है ना लाल बटन सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करिए और पॉजिटिविटी से जुड़े रहिए। और बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा, अच्छे अच्छे लेके आऊँगा, मज़ा आने वाला है। मिलते हैं फिर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ।